बोना प्रेमी दी मस्यू हरीश श्रीनिवास रीता तांजेन सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। यस सर। यस प्रियंका सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। कल मैंने कंजुगेशन ऑफ आले वेदी कंची हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग एत्रवत विद नेशनलिटी कंप्लीट करेंगे, राइट? यस सर। एत्र की कंजुगेशन कितने लोगों को पता है? सभी लोग हाथ खड़ा करें जिसको एत्र पढ़ता है। उधर से ही आप काट लेंगे, ठीक है? अभी मैं दूर इसको और Thank you.
Yes. See, confusion of eggs with all these subjects. This is etra verb. Etra means to be. First one is just swing. She means I am. Next, QA means you are. Yes, you are in zone, in zone is so empty. Also means they are also, but this is for feminine. This one for masculine is this one is for. ठीक है. सर background में echo sound आ रही है सर थोड़ा. Yes. Heather. Yes, Fatima. This one is conjugation. Just no, we are not able to hear you. Fatima. Echo आ रही है. आवाज नहीं आ रही आप. आवाज नहीं आ रही. डिस्टेंस कर दिया हूँ पता नहीं इसको यहाँ ज्यादा ले जा. अच्छा नेक्स्ट क्लास में मैं प्लेस ही चेंज करूंगा. डोंट वेट. डिस्टेंस थोड़ा और होनी चाहिए. अब ठीक है. नो सर, वी आर नॉट एबल टू हियर यू. There is a lot of disturbance.
यस आप ठीक है आपकी मैम? यस सर। डिस्टेंस हो गए? इको तो नहीं आ रही? नो सर। राइट सर, कैन यू रिपीट व्हाट यू हैव रिटन? कैन यू रिपीट प्लीज? टेल मी अगेन। कैन यू रिपीट? कैन यू रिपीट? दिस वन इज कंजुगेशन। यस सर। दिस वन इज एबल टू हियर। इको आ रही है? No, before we were not able to hear you. Now we are able to hear. इको तो अब ठीक हो गई? Yes. सर अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रही है सर इको। आवाज क्या? सर अभी भी बैकग्राउंड नॉइज कुछ आ रहा है सर, इको आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इसका जगह चेंज करेंगे, यहाँ पर इको ज्यादा आ जाएगा डिस्टेंस पर करने पर। अच्छा, एक और उपाय करते पर्सनालिटी स्टार्ट करते हैं। अभी को तो ठीक हो गई? Right? Yes, sir. अब ठीक है। अब ठीक है। Tell me, just we, to a, just we means I am, to a means you are, l a means he is, l a means he is, no song we are, who is you are. Il so they are for masculine or il so they are for feminine group. Right? Yes, sir. You have written? सभी लोगों ने लिख लिया? अब nationality से हम लोग sentence बनाएंगे। कल हम लोगों ने कंट्री नेम किया था, कंट्री को फ्रेंच में क्या बोलेंगे फातिमा? पे। हाँ, पे, राइट। तो पे इज फ्रांस, इन फ्रेंच फ्रांस, बट masculine nationality is français, FRANC, c'est de la français, right? This one is français nationality for masculine or with
फेमिनिन यू हैव टू एड ई विद फ्रांसे. प्रोनाउंसिएशन इज जैसे इल ए फ्रांसे ही इज फ्रेंच, इल ए फ्रांसेज सी इज फ्रेंच, राइट. दिस वन इज फ्रांसे विद ई फ्रांसेज सी हियर एफ आर ई एन सी This one is Francais. This one is Francais. If S comes between two vowel, pronunciation will be like ja. Got it? Yes, sir. Now we will you all make this sentence with Francais and Francais with etrebar. Suppose करो second person is here Nicola. This is French people. Nicola is saying je suis français. Tu es français. Il est français. Elle est française. Nous sommes français. Vous êtes français. Ils sont français. Elles sont françaises. इस तरह से आप सभी लोग sentence बनाएंगे. फातिमा, हैदर, हरीश, प्रियंका, तानजेन, श्रीनिवास एंड अदर्स. सभी लोग सेंटेंस कॉपी में जल्दी जल्दी बनाए. Yes, Heather. Sir. Fatima, Priyanka, Srinivas. सभी लोग सेंटेंस बताएंगे. Yes, sir. Yes, tell me. Je suis français. Yeah. Tu es français. Yeah. Il est français. Yeah. Elle est française. Yeah. Nous sommes français. Yeah. Vous êtes français. Yeah. Ils sont français. Yeah. Elles sont français. Oui. एक बार मुझे स्क्रीन दिखाएंगे जो आपने लिखा है. Right. Yes, Fatima. Thank you so much, Heather. Merci beaucoup. Yes, Fatima. Sir, Priyanka. I'm writing last two sentences. Fatima, camera on karo. Sentence bataye.
क्या सभी लोग बना पा रहे हैं सेंटेंस? सर आई एम राइटिंग लास्ट टू सेंटेंस, वेट अ सेकंड. यस प्रियंका. यस सर. स्क्रीन कैमरा ऑन करो. सेंटेंस बनी है, जल्दी बताएं. पढ़ते जाइए एक एक करके. यस यू आर क्रॉसिंग. यस यू आर आर क्रॉसिंग. या से आर क्रॉसिंग. या से आर क्रॉसिंग. या from a crossing. Yeah. Who is crossing? Yeah. Is from a crossing. Yeah. Is from a crossing. Yeah. Yes. Nikita. Yes, sir. Yes. अपने sentence बनाएं. Yes sir, one second. Camera on करके एक बार दिखाइए. I'm trying to on my camera. It is not working today. I don't know why sir. Copy show करें. One second sir. It is not my camera is not working. Okay. Yes sir. Harish Srinivas. Hamid, another, Mitali, Manreet, Asim, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं वह सारे क्लास में क्लास वर्क करते रहेंगे और मेरे साथ हमारे साथ आप लोग डिस्कस करते रहेंगे. ओके. यस गुड. बहुत सुंदर मंदिर. आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक राइट. यस मिताली ¿Cómo se va? जी सर समझ पा रहा हूँ. थोड़ी क्लासेस मिस हो गई हैं बीच में लेकिन अब से रेगुलर हो जाऊंगा. अच्छा कौन कौन सा क्लास मिस हुआ है वो आप मुझे मैसेज कर देंगे राइट? श्योर सर. थैंक यू सर. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खूब बढ़िया से समझेंगे. जी सर. जितने भी सारे चीज में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसको अच्छा से धीरे धीरे समझते रहे राइट? ठीक है सर. और कोशिश करेंगे कि आप लोग एक भी क्लास मिस ना हो. जी सर. जी रेंज की क्लासेस मिस होने पर काफी प्रॉब्लम आती है. ऐसे लैंग्वेज बहुत सीख है, बहुत अच्छा है बट अगर एक भी आप मिस कर जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है. हर कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ. जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा मैं काफी सहयोग करूंगा. राइट? ठीक है सर. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू सर. यस क्या सभी स्टूडेंट आसिम? हाँ जी सर. हमीजा? जी सर. नेक्स्ट हरीश, एम के हैदर, सौरव? यस सर. वेयर आर यू सौरव? कैमरा ऑन कीजिए तू सौरव. यस श्रीनिवास जी कोमो सवा. ओजेत सिंधिया? टेल मी
We miss you, Jasu India. जो भी सेंटेंस अभी हम लोग बना पा रहे हैं उसको मेरे साथ आप लोग कोशिश करें कि क्लास में ही बोलने का प्रयास करेंगे, राइट? इसे धीरे धीरे ओके सर, अभी हम लोग बेसिक्स पर काम करते हुए धीरे धीरे जो भी सीख रहे हैं उसको ट्राई करेंगे. ट्राई टू स्पीक विद मी, राइट? ओके सर. यस विनीता, आपने कंप्लीट किया क्लास वर्क, जल्दी शुरू करें. श्रीनिवास जी, आपने भी कंप्लीट किया? यस तांजन. यस सर. यस शो मी योर क्लास वर्क. यस सर. Right. Tell me. Yes, sir. Je suis français. Sir, actually, I didn't get exactly how to pronounce that. Nicole, here, Nicolas is saying, je suis français. Nicolas is saying, I am French. Okay. Yesterday, we have already discussed with me, France, this is a country, pays. But France, this is nationality. For masculine, for feminine, France, right? You will write, Nicolas is saying, tu es français, maybe tu es français. If is feminine gender, then you have to use process. Points. Right? Okay. Yes. Tell me like this. Okay. Je suis a Français. Yeah. Je suis a Français. Yeah. Il est a Français. Yeah. Français. Nous sommes français. Yeah. Vous êtes un français. Ils sont un français. Elles sont un français. Very good. Right? Now, listen. Tell me the spelling of with nu. Subject is nu. And this gender is feminine gender. In this case, tell me the spelling of nationality français. Nous sommes français. Français. Tell me the spelling of français. Condition is here. First, nous gender is feminine. Tell me the nationality of no with feminine gender. Yes. Haider. FRANC with Sidala. AISE. SES. Because no is plural. Okay, sir. Got it? Acha. Yes, Fatima, Priyanka, Tanjan, Manveer, Harish, Asim. अभी हैदर ने एक वर्ड बोला है सेदिला. अब चूंकि बच्चे जो नहीं सुने होंगे उनके होता होगा कि सर ये क्या होता है, तो ध्यान रखें इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. सेदिला की एक्सेंट जो होती है वो यहां पर आप देख रहे हैं.
सीदिला किसी भी वर्ड में इस तरह लगाई जाती है, विदाउट सीदिला एक this one is what in English? C for cat, na? C for cat, right. But in French we have a condition. This one is in French ka. Ka se kabutar, like that. Right, but if we will add sidila, then pronunciation will be so. I mean, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सिदिला किसी भी वर्ड में आने के बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की तरह हो जाती है. Without sedila ka, with sedila sa. So here we will say francais, don't say franke. Agar sedila na ho, then franke, otherwise francais. Yani sedila jis word mein aa jati hai uski pronunciation english ki tarah as it is hoti hai. Clear? प्रियंका, तांजेन, मंदिर, आसिम, हरीश, राहुल, अमित, क्या सभी लोग समझ पाए? यस सर, यस सर, हरीश, हैदर, वी, यस सर, दिस वन इज सेदिला. एक्सेंट सब एक साथ ना करा करके जहां जहां एक्सेंट की यूजेज आएगी उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप डे बाई डे समझते रहें. Right? Okay, sir. Now, I am giving you second nationality. Spain. क्या किसी भी बच्चे को फ्रांसे से रिलेटेड कोई डाउट? Either प्रियंका, तांजेन, आसिम, मंदीप, फातिमा, हरीश and others? No, sir. No, sir. अच्छा से समझ में आया सबको? एक मैंने यहाँ पर नू के साथ डिस्कस भी किया, एक और मैं एक सब्जेक्ट के साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे. टेल मी दिस सेंटेंस राइट. इफ सब्जेक्ट इज ई एल एल ई एस, डे फॉर मस्ट फेमिनिन राइट. कंजुकेट द नेशनलिटी एंड टेल मी द स्पेलिंग. इस केस में नेशनलिटी की स्पेलिंग क्या होगी? यस फातिमा, एफ आर ए एन सी फॉसल A I S E. S E S. You learn that. Because this one is feminine. So Francis. And this one is plural subject. So you have to use S. Got it? Yes, sir. Tell me the spelling of nationality with ill, masculine plural. Yes, Vinita. Tanjin. Yes, sir. Priyanka.
Okay. Yes, Tanjan, tell me the spelling of nationality with ill. So F A F R A N C A I S S. Right. Double S. Okay. Mexico. I mean, सभी बच्चे अच्छा से समझ गए इसको. This one is very important in French. French में साइंस की तरह मार्क्स आती है और साइंस की तरह ही मार्क्स कटती भी है. ये स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करता है बिकॉज इन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जब आप यूज टू हो जाएंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाए. राइट. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ नेशनलिटी फ्रेंच फ्रांसे विद टू. इफ जेंडर इज फेमिनिन यस प्रियंका विनीता सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे. मैं एक एक करके सभी बच्चों से पूछूंगा. राइट. मेरे क्लास में जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं विनीता तांजन श्रीनिवास सौरव सौरव वेयर आर यू. यस श्रीनिवास जी कैमरा आए आप. फातिमा तुम ही बता दो. FRANCE Very good. Yes, श्रीनिवास जी tell me the nationality of French with L. Singular. क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं यह कह रहा हूं कि एल के साथ फ्रेंच का नेशनलिटी आप स्पेलिंग को मेरे साथ शेयर करें कि आप क्या लिखेंगे. या कॉपी पर लिख करके आप शो कीजिए कैमरा से. ठीक है. और मैं नेक्स्ट नेशनलिटी मैं दे रहा हूं. इसके साथ आप सभी लोग सेंटेंस बनाएंगे. सभी से मैं पूछूंगा. सभी लोग कॉपी में एकदम कंप्लीट करेंगे ताकि सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो और क्लास में जितना देर आप लोग रहे उतना देर आपकी पढ़ाई चलती रहे. सर आई वांट टू आस्क समथिंग. यस हैदर सर ये दे अगर मैस्कुलिन प्लूरल रहेगा तो फ्रेंसेस जो है वो बाद में डबल एस आएगा क्या लास्ट में या सिर्फ सिंगुलर ऐसे ही रहेगा. यहाँ पर अगर सिंगुलर है जी तो सेम फ्रांसेस जो फेमिनिन का जेंडर है वही आएगा बस. अगर यह प्लूरल होगा तो इसमें एस हो जाएगा. डबल एस की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है. मस्कुलिन में दिस वर्ड इज एंडिंग विथ एस सो इन प्लूरल. अच्छा आपने हम लोगों ने इंग्लिश में सीखा होगा बहुत से सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं वह सेम हो जाते हैं. राइट.
उसी तरह यहाँ पर भी फ्रेंच में फ्रांसे जो है यह सिंगुलर है, और चूंकि दिस वर्ड इज एंडिंग विथ एस सो इन प्लुरल वी कैन नॉट ऐड एक्स्ट्रा एस। ओके सर, ठीक है सर। यस सर, खूब बढ़िया से समझ में आ रही है। यस सर, हमारे सभी बच्चों को कैमरा ऑन करके सभी लोग कम से कम सर हिलाते रहो ताकि समझो कि हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है, राइट। सभी लोग खूब बढ़िया तरह से एक एक करके सीखेंगे। यस आसिम आया, आसिम हाउ आर यू। अभी तो आसिम आप यहाँ पर सारी चीज समझ पा रहे हैं? जी सर। और आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे? जी सर। आपसे भी मैं, जो भी बच्चे हैं जो नहीं भेज पाए हैं वो अपना भेज देंगे, राइट। इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज को मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेंच के माध्यम से मैं प्रेजेंट करूँ, तो पहले आप लोग पहले सारे बेसिक्स फ्रेंच को आप एक एक करके समझते जाए, राइट। बहुत सारे जो एमएनसी में मैनेजर हैं वो कोशिश करेंगे कि इस माध्यम से अपनी पैकेज को बढ़ाएं और वह कंपनी को पकड़े जो स्विट्जरलैंड में है, ताकि आपके माध्यम से हम भी स्विट्जरलैंड घूमेंगे, ठीक है। एनीवे सर, उम्मीद है कि इग्नू सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा भी कराएगा फिर फ्रेंच में। हाँ, इसमें सेमेस्टर मैं थोड़ा सा इसे फ्री हो जा रहा हूँ, तो आप लोगों का एग्जाम वगैरह हो जा रही है तो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है, सेमेस्टर वाइज मैं इसको जी सर, यस सर, सभी को लॉन्च कराऊंगा, ठीक है सर। थैंक यू। अभी एक ही अपना सेंटर है जहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ, धीरे धीरे सारे ब्रांच मैं सारे ब्रांच में ओपन करवाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे को हमारे स्टूडेंट को आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट सर। थैंक यू। हमारे स्टूडेंट हर फील्ड में है और फ्रेंच काफी स्वीट लैंग्वेज है, इसलिए इसको इस पर काम होनी चाहिए, राइट। सी, दूसरी नेशनलिटी लिखेंगे, कल मैंने आपको एक कंट्री कराया था एस्पाइन, इसकी नेशनलिटी होती है एस्पाइनोल, ESPAGNOL, एस्पाइनोल, राइट, फॉर मस्कुलिन, फॉर फेमिनिन ESPAGNOLE, राइट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अक्सर फेमिनिन वर्ड्स में, फेमिनिन नाउन में यहां पर ई रहती है इन जनरल, बट वी हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो, सो प्रोनाउंसिएशन एस्पाइनो एस्पाइनोल, यहां पर एल की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी होगी न के बराबर, एस्पाइनो एस्पाइनोल जनरल, इन जनरल इन फ्रेंच लास्ट लेटर वी कैन नॉट प्रोनाउंस, दिस वन इज ए स्पाइनोल, दिस वन इज ए स्पाइनोल, ल की यहां प्रोनाउंसिएशन फेमिनिन जेंडर के साथ कंप्लीट होगी, क्लियर। इस नेशनलिटी से आप लोग सेंटेंस बनाए जल्दी सभी लोग,
Yes. इस स्पेलिंग को देखिए. यस श्रीनिवास जी, समझ पा रहे हैं आप? गुड. फेबियन, मर्सी बोकू. यस सौरव, अमित, आसिम, विनीता, पांजेन, मनरीत, सभी लोग एक एक करके कैमरा ऑन करके काम दिखाएंगे. सर एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार फिर दोबारा. हाँ जी, मैं उसको क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ सर. मेरे को एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, आप ध्यान से सुनेंगे. ये ना स्पेन का कल मैंने डिस्कस किया था, स्पाइन मैंने कंट्री बताया था, फेमिनिन कंट्री. तो कल कंट्री का मैंने डिस्कस किया था और यहाँ पर यह है नेशनैलिटी. तो जो भी स्पेनिश पीपल होंगे, स्पेन के होंगे, वह बोलेंगे कि जस्वी स्पाइनोल, आई एम स्पेनिश. सेकेंड पर्सन के लिए वो यूज करेंगे तू ए स्पाइनोल इफ तू इज मस्कुलिन. इफ तू इज फेमिनिन जेंडर देन दिस पर्सन विल से तू ए स्पाइनोल, राइट. देन ये सारे नेशनलिटी को, इस सारे सब्जेक्ट जो 8 सब्जेक्ट्स आपको मैंने लिखाया, ज स्वी ज तू इल एल नू वो इल एल, 8 सेंटेंस के साथ ये सारे नेशनलिटी को लिखनी यूज करनी है. ठीक है मनदीप? यस सर, करेक्ट है, अब क्लियर है बिल्कुल. अच्छे से समझ लिए? जी सर, समझ गया मैं. वेरी. और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यस तांजेन, फातिमा, प्रियंका, विनीता? नो सर. समझ में आ रही है? यस सर. एक्सक्यूज मी सर, नमस्कार सर. यस नमस्कार सर. आप तो सर क्लास तो अच्छा ले रहे हैं, मगर मेरे एक बात कहना चाहूंगा. ये जो कैमरा जो हिलता है ना सर, कैमरा हिलने से क्या होता है, कंसंट्रेशन दे नहीं पाता हूँ. ये अगर आप स्क्रीन शेयर में करते थे ना, जैसे कि पेन पेपर लेके शेयर में, वो ज्यादा क्लियर होता है, आपको समझ भी आता है. इसमें क्या दिमाग हिल जाता है, इसमें ये नया सब्जेक्ट है और कैमरा हिलता रहता है, तो दिमाग मैंने कंसंट्रेट नहीं कर पाता. अभी ठीक है? अरे
सबसे पहले सर हम लोग भी क्लास करते हैं सर, हम लोग जो है ना सर स्क्रीन शेयर करते हैं, जो लिखते हैं वो ऑटोमेटिक दिखाई भी देता है, एक पैड होता है ना सर, वो ज्यादा मेरे ख्याल से मेरा जो कहना है ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाते, इसमें इतना कर नहीं पाते। यस बिकॉज आप कल की क्लास में पढ़े थे? मैं क्लास में तो नहीं है, नहीं था सर। कल की क्लास लिए थे आप? नहीं सर। ठीक है, ये कॉमन बात है, क्लास लिए थे नहीं कोई बात नहीं है, मेटर कॉमन है कि सर ये जो हिलता है ना कैमरा सर, ये दिमाग करता रहता है, माइंड नहीं कोई बात नहीं, इसको ठीक किया जाएगा, इसको दूसरा सिस्टम लगा करके इसको ठीक करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद हम आपके साथ इस पर बात करेंगे, ठीक है ना? यस सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी देखें सब लोग देख पा रहे हैं, अभी अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ केवल हिल केवल फिक्स होने से तो दिखाई देता है, अच्छा लगता है। हाँ अभी 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 ठीक है, हिलने से कुछ नोट भी नहीं कर पा रहा ठीक से, ऐसे तो रह दो मिनट रहने दीजिए। डोंट वरी, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, विद मस्कुलिन ई एस टी ए जी एन ओ एल, विद फेमिनिन E-S P-A G-N O-L-E, this one is a spino, this one is a spinal. अब क्लियर हुआ? क्लियर है, ये क्लियर हुआ सर, ये अच्छा ठीक है। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को आप बताएंगे, मैं आपके लेवल तक आकर के मैं आपको समझाऊंगा, राइट? हाँ सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। सारे सब्जेक्ट के साथ इसका सेंटेंस बना लें और मुझे आप अपने कैमरा से जल्दी शो करें तो। तो सर ब्लैकबोर्ड देखेंगे सर, ब्लैकबोर्ड थोड़ा प्लीज देखा दीजिए, ब्लैकबोर्ड फिर से ठीक। यस मंदीप, नेशनलिटी की तरफ कैमरा को फोकस करेंगे। और कॉपी को ऊपर करें धीरे धीरे, राइट गुड। यस फातिमा, फातिमा शो करो। यस नेशनलिटी को शो करो कॉपी को। Tell me the sentence, Fatima. A three spinal, two a spinal. Masculine hoga. If U is masculine, we know that. Il e spinal. L e spinal. No so much spinal. Was it spinal? Spino. Il son spinal. El son spinal. Very good. Merci beaucoup, mademoiselle. Yes, Arun. हाँ सर। आप अपना copy show करेंगे? और सर नोट ही कर रहे थे सर, नोट कर रहे थे, देसू टू एस एल एस, कॉपी में नोट कर रहे हैं? हाँ सर कर रहा हूँ, आई कैन शो यू, कॉपी को थोड़ा शो करेंगे, मैं नेशनलिटी का स्पेलिंग चेक करना है। नेशनल नहीं लिखे, थोड़ा नोट ही कर रहे थे, थोड़ा ऊपर करें कैमरा को, नेशनलिटी के पास ले जाए, नहीं दिख पा रहे। नोट कर रहे थे, इतना कर पाए अभी तक नहीं कर, पूरा नहीं कर पाए।
पूरा कर लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए एक पेज पर, तब आप दिखाएंगे। ठीक है सर, ओके सर, पूरा कर लीजिए। यस मिताली। यस सर। आपने काम कर लिया? यस सर। दिखाइए। वेरी गुड, मर्सी बोकू। वी मदमोजेल मिताली त्रिविया, वेरी गुड। यस प्रियंका। प्रियंका सेंटेंस बोलो। राइट प्रियंका, सेंटेंस को पढ़ो तो। स्पीकर ऑन करो। इफ वी आर स्पेनियल टू ए आर स्पेनियल। वेरी गुड, बस। इल ए आर स्पेनियल। यस। इल ए आर स्पेनियल टू सोम ए स्पेनियल वो आर स्पेनियल टू सोम आर स्पेनियल। सर इसमें स्पेनियल में एम के बाद एस लगेगा ना? यस। Il so a español. On tum sa yes like. Yes Asim. Apne copy ko show karo. Vinita. Oui, oui monsieur. Oui, monsieur. Yes. Good. Nationality ki taraf. Very good. जस्वी इस फाइनल। यू हैव टू राइट ई इन ब्रैकेट। क्वींस। राइट। लिसन टू ऑल ऑफ यू। This was the L. L ये understood है कि ये feminine gender है. With L, you have to use is final feminine. Right? And with ill, is final masculine. But to no who these are suspensive genders. If to is masculine or to is feminine also, so in bracket you have to use e. If you are sure to is feminine gender, in that case you have to use complete nationality according to gender.
राइट फातिमा, सभी बच्चों को समझ आ रही है? यस सर। नेक्स्ट, फिर सेकंड नेशनलिटी पर काम करेंगे। कल मैंने एक कंट्री कराया था जर्मनी, अल्माइन, राइट? यस सर। यूक्रेन का मस्कुलिन जेंडर अल्मोंड, ए एल एल ई एम ए एन डी विद मस्कुलिन। सर द बोर्ड इज नॉट विजिबल। दिख रही है? यस सर। कैन यू रिपीट द प्रोनाउंसिएशन? ग्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। सही सर। दिख रहा है? नहीं सर। विद फेमिनिन ए एल एल ई एम ए एन डी ई He is German, she is German. Right? So, you have to make this sentence with almond, almond. Pronunciation is almond, almond. Almond, almond. This word is ending with E. So you will say almond. This word is ending with D, so you will say almond. D यहाँ पर silent होगी, यहाँ पर E silent होगी, right? सभी लोग इस sentence को बनाए अपने copy में। सर आई हैव वन क्वेरी सर। सर एक्चुअली वी रोड जे स्विस सर। सर ये पूछना था, ये जैसे हमने कई लोग ओपी में बनाते जाए सर। एक चीज पूछना था, कई लोगों ने जे स्विस आ एस्पेनॉल लिखा है, कई लोगों ने जे स्विस एस्पेनॉल लिखा है, तो व्हाट इज राइट? जे स्वी आ एस्पेनॉल और जे स्वी एस्पेनॉल? अभी आर्टिकल्स की यूज इसमें नहीं करेंगे। जी जी, जितने लोगों ने आ लिखा है उसको अभी यहाँ पर नहीं लिखना, ने लिख दिया है तो ठीक है, और वह से ज्यादा लिखे होंगे जो इंग्लिश में ठीक ठाक है तो वह लिख दिए होंगे फ्रेंच स्पेनिश, बट इन फ्रेंच वी कैन नॉट यूज अ यून और अदर्स, आर्टिकल्स को अवॉइड करेंगे आप। उसके लिए आगे कनेक्टर आती है तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। बस करेक्ट इज जस्वी आलमोंड, क्यू ए आलमोंड, डोंट राइट जस्वी अ आलमोंड। आपने कुछ बच्चे लिखे हैं तो आप अभी उसको आप अवॉइड करें, वो मैं बताऊंगा बाद में। गलत तो नहीं कर सकते लेकिन अभी यहां पर जस्वी आलमोंड करेक्ट होगा, राइट? यस हरीश। थैंक यू सर। थैंक यू मर्सी सर। दाकोर
सभी लोगों का सेंटेंस बन गया यस हैदर कॉपी को सर विद नो एंड वो वी हैव टू पुट इन वी हैव टू जस्ट लाइक लीव लाइक दैट और वी हैव टू पुट इन यस विद नो या नो सोम almond if no is masculine then you have to use s with d only okay sir. Oh. No is feminine then you have to use es okay. Right okay sir. यस हैदर नेशनलिटी को थोड़ा सा और जूम करेंगे अच्छा राइट आगे की तरफ चलें नीचे सेंटेंस बताओ नीचे का सेंटेंस Also, almond की नहीं nationality दिखाओ clear okay right yes yes thank you so much Adar merci beaucoup बहुत सुंदर sir can you see mine thank you sir Vinita yes sir विनीता अपने जेंडर को लेकर के जसवी का ट्रांसलेशन करती है राइट यस गुड विनीता लास्ट टू नेशनलिटी लास्ट टू गुड वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत अच्छा मर्सी बहुत ऑनलाइन से तो ज्यादा कुछ मैं करेक्ट नहीं कर पाता लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह बना कर राइटिंग इसमें काफी मैटर करता है ठीक है यस फातिमा तुम्हारा जूम करो फातिमा फातिमा जी कैमरा क्लियर नहीं दे रहा ठीक है राइट बहुत सुंदर ठीक यस हरीश मिताली गुड आई स्टूडेंट अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज का यूज किए हैं राइट और तू वाले में ब्रैकेट में ई लगा देंगे टू एंड हु के साथ ब्रैकेट में ई आप लिख करके छोड़ देंगे देन अंडरस्टूड होगा कि टू इफ फेमिनिन इन दैट केस यू हैव टू यूज ई राइट ओके सर ओके सर यह सारी एक बार और कॉपी शो कीजिए मेरी कॉपी तो होनी पड़ी सबसे कैमरा को नेशनलिटी के पास ले जाए नेशनलिटी की तरफ
राइट मर्सी बापू यस अरुण मर्सी बापू हाँ सर मैंने तो लिखा नहीं सर मेरे यहाँ तक समझ गया जे सू टू एस एल एस एल एस नेशनलिटी तो मैं नहीं समझ पाया सर ठीक से क्योंकि क्लास तो क्या नहीं थी तो ये थोड़ा सा बाद में समझा देंगे तो मैं लिख लूंगा सर अभी थोड़ा सा समझ नहीं पाया सर मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ आप धीरे से कि आपने इसको लिखा है क्या सर आपने इसे सेंटेंस बनाए हैं सेंटेंस तो बना है मगर वो तो जेंडर के साथ मैंने पर्सन के साथ चेंज नहीं हो रहा ना सर जे सू टू एस एल एस एल ई एस नोट कर लिया मैंने उसके बाद जो नेशनलिटी है उस कैसे चेंज होगा वो हम नहीं जान रहे सर इसलिए नहीं कर पाए ठीक आप यहाँ पर लिखेंगे जस्वी आलमोन ओके सर नेक्स्ट सेंटेंस टू ए आलमोन आलमो इन ब्रैकेट ई इफ टू इज फेमिनिन जेंडर इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस वन ई ई वन आलमंडी राइट हाँ नेक्स्ट Understood है एल ए he is gender is masculine you have to next feminine No song almond with S in bracket. You have to write E. If no is feminine gender, then you have to use almond with S. Right? Okay, sir. Rosettes almond with S in bracket E. Also almond with S. Also almond with S. Because यह अंडरस्टूड है कि जेंडर जो है वह मस्कुलिन प्लुरल है नेशनलिटी भी जाएगी मस्कुलिन प्लुरल मस्कुलिन तो ऑलरेडी है प्लुरल के लिए एस इसमें ऐड कर ठीक है नेक्स्ट एल सो आलमोंड विद एस क्लियर हाँ सर थोड़ा बहुत समझ तो गया अच्छा लगा भी अच्छा लगा कुछ समझ आ रहा भी समझ में आ रही है हाँ अब आप कॉपी दिखाइए लिखा रही नोट किया था ऐसे पहले वाला नोट किए थे नोट किए हैं हाँ हाँ नोट किया सर ये पहले वाला नोट किया सर फिर कॉपी को दिखाइएगा कैमरा पर स्पेलिंग चेक कर ये वाला सर नोट किया पहला वाला नोट किया सर अभी जो है ना अभी सुने हैं अभी जो बोला ना सर अभी ये वाला आप सुन लिए हैं अभी जान ये वाला पहला वाला आप नोट किया है जस्ट समझ लिया ठीक ओके नेशनलिटी को कैमरा को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कैमरा हाँ जूम करेंगे
राइट ठीक बहुत सुंदर नेक्स्ट यस मिताली तांजेन सौरव अमित जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो भी शो करेंगे यस सर कॉपी दिखा तांजेन तांजेन यस सर आलमोंड या राइट क्यू ए आलमोंड इन ब्रैकेट यू हैव टू यूज ई If so. Who is feminine in for in that case? Okay. Yes. In bracket E. Bas. Only E. Okay. आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख दोगे तो कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट इतना क्लियर है कि फेमिनिन जेंडर में लगता है इससे आपकी मार्क्स बढ़ेगी सर सर नेक्स्ट इल एल प्लूरल की तरफ पीछे ले आओ गुड अच्छा वो जेट्स आलमोंड्स Alvon, spelling bolo to Tanjin. Almond, for this feminine, almond, and for masculine, it's almond. With S, na? For plural, yes, almond. Who is also always plural, so you will use S. Okay, so who is you are right? Okay, so that is also plural. Yeah, who is always plural. Okay. Or tu is always singular. Sure, sir. So you have to use is with who. Okay, got it. With no, who, il, el, plural. You will use S according to gender. Sure, sir. Masculine gender, then DS. If feminine gender, then ES. Sure, right? Sir. Sure. Yes. Sure, sir. Thank you. Vinita. नेशनलिटी की तरफ ले जाए नू सुन के बाद नेशनलिटी में लास्ट क्या कटी है उसको शो करो तो नू सुम अलेमोन सर अलमोन की स्पेलिंग बताओ एल एल एम एन एल एल ई एम एन डी एस DS. Yes, sir. Yeah, DES. Okay, right. Yes. Sabhi bache ka ho gaya? Right. Ab agli nationality ko karenge. Theek hai na? Yes, sir. सभी बच्चे अच्छा से समझ पा रहे हैं यस सर यस सो वो इज ऑलवेज प्यूरर या वो इज ऑलवेज प्यूरर कैन यू रिपीट दैट हां फातिमा नो इज ऑलवेज प्यूरर या वो इज ऑलवेज प्यूरर ओके जस्ट नाउ यू नो नो वो इल एल देखो यहां ये चार सब्जेक्ट है नू
who ill l ये चारों सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होती है, देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। नो हो इन एल ये हमेशा प्लुरल होगी, नेशनलिटी में हमेशा एस होगा अकॉर्डिंग टू जेंडर, इफ मस्कुलिन जेंडर देन ई एस बी एस, इफ फेमिनिन जेंडर देन ई एस इन लास्ट, राइट? Okay. अब कुछ मैं नेशनलिटी लिख रहा हूँ, उसको आप लोग जल्दी नोट करके और सेंटेंस जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है? अगला लिखेंगे, कल मैंने कंट्री कराया था जापान, कल जो जो कंट्री कराए थे उसकी नेशनलिटी में करा रहा, यस सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, विनीता प्रियंका कांजन सभी लोग सिर्फ कैमरा ऑन करेंगे, और कल मैंने कंट्री कराया था जापान इन मस्कुलिन जापोने फेमिनिन जापोनेज, राइट? जापोनी जापोनेज, एक और कंट्री कराए थे मोरक्को, यहां पर देखेंगे नेशनलिटी मारोकेन, दिस वर्ड इज नॉट सी, अभी मैंने डिस्कस किया है कि इंग्लिश में जो सी फॉर कैट होती है उसमें अगर सेदिला ना हो तो फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होगा लाइक क, क से कबूतर, ठीक है? सो प्रोनाउंसिएशन इज हियर मारोकेन, मारोकेन सर, मारोकेन स्पेलिंग, मारोकेन स्पेलिंग सर, दिखाई दे रहा स्पेलिंग, हाँ ये स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ, एम ए आर ओ सी ए आई एन with masculine, with feminine M A R O C A I N E, दिख रहा है सबको सर? फिर C with cedilla और S के बीच में क्या डिफरेंस होगा सर? Without, हाँ ये कौन है सर? असीम, असीम सर, C with cedilla और S के बीच में क्या डिफरेंस होगा सर? हाँ मैंने डिस्कस किया था एक बार और आप सुन लें सभी बच्चे, ये वर्ड आया था फ्रेंच यानी फ्रांसी, एफ आर ए एन सी विद सेडिला ए आई एस, ये देख पा रहे हैं असीम? जी सर, जी सर, सबको जी सर,
प्लीज जो डिफरेंस है उसको समझना आसान हाँ जी सेडिला अगर सी में लग जाती है तो प्रोनाउंसिएशन हो जाती है स स से सपीरा ठीक है ना और अगर सेडिला न हो तब इस सी को बोलेंगे क क से कबूतर लाइक दैट बस हमें सीखना है तो दिस वन इज फ्रांसे और दिस वन इज मारोकेन दिस वन इज सी विदाउट सेडिला सो प्रोनाउंसिएशन विल बी लाइक क और दिस सी विद सेडिला सो प्रोनाउंसिएशन विल बी स आसिम समझ में आया खूब अच्छी तरह स्पीकर ऑन करके बताएं हाँ जी सर समझ आ गया सर लेकिन अच्छा हाँ जी सी विद सेडिला और एस का साउंड तो सेम है सर नहीं तो, This one is France. This one is Moroccan. नहीं नहीं सर वो तो ठीक है सर Moroccan में C is K and France में S pronounce करते हैं सर C with cedilla को हाँ France but this one is Moroccan. जी but got it understood sir but मैं इन दोनों को तो समझ गया हूँ लेकिन question ये है कि C with cedilla इसका साउंड स है और एस का साउंड भी स है तो एस क्यों ना यूज किया जाए ओके या फ्रेंच ग्रामर की अपनी स्टैंडर्ड है ठीक है फ्रेंच पीपल ना इंग्लिश को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा एक्सेस मैंने चूंकि निकोला सार्कोजी जब प्रेसिडेंट थे फ्रांस के वह दिल्ली आए थे दिल्ली और कब आए थे जिस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे ठीक है और फ्रेंच पीपल या फ्रेंच की कल्चर काफी मॉडर्न है तो उस समय इशू आया था चूंकि मैंने फ्रेंच के जितने भी ब्यूरोक्रेट को देखा है किसी को आपस में इंग्लिश में बात करते हुए कभी नहीं सुना इसके कारण यह जान करके थोड़ा सा आश्चर्य होगी कि फ्रेंच ब्यूरोक्रेट को इंग्लिश बहुत ही कमजोर होती है क्योंकि वह इंग्लिश को सीखना ही नहीं चाहते आपस में वह लोग हमारी इंडिया में हमें इंग्लिश सीखना जरूरी और मजबूरी दोनों है सर उनको तो अच्छा है कि नहीं आती है हाँ वो लोग सीखते ही नहीं है अपने यहाँ या मैंने देखा है कि कभी भी आप कोई ऑटो वाला होगा तो वो कहीं पर कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता चूंकि इंडियन तो है मैंने देखा है एक जगह कई वीआईपी जगह पर मैंने एक जगह खड़ा था तो मैंने देखा कि एक ऑटो वाले को रास्ता पूछना था तो स्लिप मिला था किसी को वह वहां पर उसको सामान देना था अब वो कहीं जगह पे गया तो दो इंडियन ही बात कर रहे थे ऑटो वाले करीब आए तो इंग्लिश में ही स्टार्ट हो गए दोनों बातचीत करना ऑटो वाला बेचारा जो पूछने गया था वो लौट करके आ गया मैं देखा कि गया और फिर रिटर्न आ गया तो मैंने उसको रोका अंकली रुको तुम गए और देन एंड देन रिटर्न हो जाए क्या रीजन तो कहा कि सर गए थे एड्रेस पूछने हमको लगा इंडियन है हमें बता देंगे और गए तो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रही मुझे अपने देश का ये हाल है तो हम लोग हमारे देश की कमी ही है मजबूरी कहें या जरूरी समझे क्योंकि हमारे अपने देश के लैंग्वेज में वर्क कैपेसिटी ज्यादा नहीं बन पा रही है इस पर हम लोगों को काम करना है हमें देश की सारी लैंग्वेज को सीखना है सब पर हम सभी लैंग्वेज से प्रेम करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा तो हम अपने देश की लैंग्वेज पर काम करेंगे
कम से कम अपने देश में और इसको वर्ल्ड वाइड फैलाएंगे। आप लोग का भी कोई फॉरेनर फ्रेंड हो तो उसको हिंदी सिखाने का जरूर प्रयास करें और कोशिश करें कि उसको, क्योंकि मेरा एक निकोला जिसका नाम लिया हूँ, ये आए थे हमारे लेक्चरर बन करके और मेरे दोस्त बन गए। बहुत सारे अपने इंडिया में इतिहास है, जैसे आपने आर्य समाज में देखा होगा, बहुत सारे लोग को सुने होंगे कि वह गुरु को ही स्टूडेंट बना लिए, उसी तरह निकोलाय प्रोफेसर आए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, उस समय काफी अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे और इनकी वाइफ जर्मनी की थी, फर्स्ट और सेकंड एक चाइनीज से भी कर लिए इंडिया में आने के बाद। दोनों के साथ लाइफ आप जानते ही हैं कि दोनों के साथ तो लाइफ नहीं अच्छा बीत पाता, ये बेचारे अकेले रहा करते थे, पढ़ाने में बहुत अच्छे थे, मैंने देखा कि ये है तो कुछ फैमिलियर मैटर को भी मैंने सॉल्व किया, साथ साथ इनको हिंदी में ऑनर्स मैंने कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन करके तब ये इंडिया से गए थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो आप लोगों को भी कोई स्टूडेंट ऐसा फॉरेनर हो तो आप बोलेंगे उसको मैं हिंदी से इग्नू से ही, चूंकि इग्नू अपना बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी काम कर रही है और इसमें हम लोग हनुमान जी की तरह काम कर रहे हैं कि सारे बच्चे सीखें, तो कोशिश करेंगे कि अपनी लैंग्वेज पर भी काम करें, ठीक है ना। इसको तो सीखेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है, जरूरी भी है, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जरूरी है और इसका मेरे साथ। अब यहाँ देखेंगे दिस वन इज जापोने, दिस वन इज जापोनेज, दिस वन इज मारोके, दिस वन इज मारोकेन। सभी लोग इससे सारे सेंटेंस वाले जल्दी बना लें, फटाफट सेंटेंस बना ले ताकि मैं एक बार पूछ सकूं। सर थोड़ा स्पेलिंग बता दीजिए जापान वाली। स्पेलिंग ठीक है सर, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है सर, थोड़ा प्रोनाउंस कर दीजिए। अब दिख रहा है, स्पेलिंग में बोल दे रहा हूं, जापोने जे ए पी ओ एन ए आई एस विद मस्कुलिन विद फेमिनिन जे ए पी ओ एन ए आई एस ई जापोने जापोनेज। दिस वन इज मारोके एम ए आर ओ सी ए आई एन मारोके फॉर मस्कुलिन एम ए आर ओ सी ए आई एन ई मारोकिन फॉर फेमिनिन। राइट सर, मारोकेन में दोनों में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बता दीजिए क्या क्या अंतर है मस्कुलिन और फेमिनिन। नो नो, दिस वन इज सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन और हियर इज हार्ड प्रोनाउंसिएशन लाइक मारोकेन मारोकेन। ओके सर, थैंक यू, गॉट इट। जापोने जापोनेज, गॉट सर, थैंक यू। सभी लोग कंप्लीट सेंटेंस बनाए दोनों नेशनलिटीज से।
सभी लोग से अच्छा है दर यस विनीता नेशनलिटी को हाईलाइट करेंगे जूम करेंगे यस है द राइट बहुत अच्छा मारोकी यस विनीता मारोकी वेरी गुड Vinita, thank you so much. Merci beaucoup. Yes, Harish. Priyanka. Tamra Karim. Yes, Priyanka. हाँ कटिंग नहीं होनी चाहिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें यस आसिम सर द पावर हैज गॉन हियर सो आई कांट शो आसिम तुम नेशनलिटी दिखाओ बाइंडिंग नेम मत दिखाओ सर इसी थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा इसलिए हाँ ठीक है अंडरस्टूड जयपुर वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत अच्छा Yes, Vinita. Sir, power. Power has gone. Okay. Right. Yes, Arun ji. Right. बहुत सुंदर यस श्रीनिवास जी अच्छा आप सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे यस तांजन Yes, sir. Very good. Tanjin Can you see now? Very good. Very good. Very good. Srinivas ji kahan hai? Acha, ek aur cheez. Kuch student mere aise hain, jo age-wise humse bade hain. Ye baat नॉन है कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ लेकिन चूंकि मेरे स्टूडेंट बहुत प्यारे होते हैं मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए कभी किसके नाम के आगे मैं जी लगाऊं तो आसिम आप बुरा फील नहीं करेंगे कि सर हमें नहीं बोल रहे नहीं, 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 नहीं। ठीक है कुछ अपने देश की कल्चर है कि जहाँ अपने घर को देखते हैं बड़े को देखते हैं तो न चाहते हुए भी उन्हें रिस्पेक्ट जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल देना पड़ता है बिल्कुल बनता है इस तरह से चलो यस प्रियंका ठीक है ना सभी लोगों को आज की नेशनलिटी क्लास समझ में आई यस सर यस सर मस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लुरल का विशेष ध्यान रखेंगे यस सर इससे ग्रामेटिकली क्वेश्चन सेट होती है इससे मार्क्स कटे नहीं इस पर ध्यान रखेंगे सिंगुलर है प्लुरल है मस्कुलिन है या फेमिनिन है बस सिंगुलर मस्कुलिन सिंगुलर फेमिनिन प्लुरल मस्कुलिन प्लुरल फेमिनिन ठीक है ना सभी लोगों को अच्छा लगा सभी लोग जितने भी आज मैंने सेंटेंस 8432
32 सेंटेंस हम लोगों ने फ्रेम किया है, इससे 32 नहीं बल्कि और ज्यादा फ्रेम हो सकते हैं। अगर मैं जेंडर वाइज करूं तो 8 6 48 आपका सेंटेंस आज की क्लास में मैंने कंप्लीट कराया, सेंटेंस का फॉर्मेशन, ये सारे सेंटेंस को फॉर्म करके बढ़िया से बना करके कॉपी पर एकदम फेयर करके रखेंगे, ठीक है? यस सर। तो आज मैंने कंट्री कंप्लीट किया था, आज मैं नेशनलिटी उसी कंट्री का कंप्लीट किया, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लूरल कंट्री और प्लूरल जेंडर पे बात करेंगे, अब यहाँ मस्कुलिन और फेमिनिन कंट्री पर हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। इत्र वर्ग को अच्छा से कंप्लीट कर लेंगे कि इसी पर और सारे अधिकारी का फॉर्मेशन है और आगे में जब लिटरेचर पढ़ूं तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, क्योंकि आप लोगों को सिखाने के बाद मैं लिटरेचर काफी फास्ट पढ़ूंगा जिस सबको को समझना होगा, ठीक है ना? यस सर। आप यहाँ पर लिटरेचर का बुक देखेंगे, सिंपैथिक सांदी नफ में पारी लफात्मो द सिल्वी वेलरी कीएस से निकोला लोग्रो यूनामी निकोला लोग्रो लशंतर वी चिकोने निकोला लोग्रो वी जकोने बिया निकोला लोग्रो ए वुजेट थ्रे जामी वी ए नो निकोला ए आ आर्टिस्ट चू कंप्रोंस वेलरी सिल्वी जक जबुद्रे राकौंद्र निकोला सिल्वी कह रही है कि आई वुड लाइक टू मीट निकोला। भी इसमें सारे सेंटेंस आप नहीं समझ पाए क्लिक कर नहीं सुन लिए, लास्ट में इस यहाँ इस लिटरेचर का यहाँ पर मोरल ये है कि जिस पर्सनालिटी की चर्चा हो रही है लास्ट में वैल्यू बोलेंगे कि यह सिल्वी जबुद्रे के बाद से बोला आई वुड लाइक टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ, अच्छे लोगों से सब लोग मिलना चाहते हैं और हुआ तो फ्रेंच पीपल है, राइट? तो इस सारे चीज अभी करेंगे बट बेसिक्स आप लोग सारे वाले ग्रामर आप लोग, ठीक है ना? राइट। यस अभी सैदर प्रियंका आसिम मिताली विनीता तांजेन सर आई हैव वन क्वेश्चन वी मुंशिया श्रीनिवास जी भी सारे स्टूडेंट हैं, सब लोग को अच्छा समझ में आया? यस सर। यस सर। आज की सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूं। अब वार ओवर वार सर ओवर बोल ओवर आ रुसिन समीन बाय। धीरे धीरे ग्रीटिंग्स आप लोगों को समझ में आएगी और ग्रीटिंग्स या डायलॉग अभी मैं ना समझ में आया आपको कोई बात नहीं। हाँ ये जो ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड पर हो रही है यह सारी चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है ना? आपके एग्जाम में ये काफी ज्यादा बोर्ड, ठीक है? यस। दिन बाय। मर्सी। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।